ठीक है, एक नंबर बना है ना, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, ढीला बना है ना, इतना गल चुका है ना इसमें। देखिए रोटी से ट्राई करके देखता हूँ मैं। ये कुरमुरा। तो माय न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? काश आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो मैं अभी जा रहा हूँ स्टॉप पे। अब आप लोग पूछेंगे क्यों पैदल जा रहे हो। पैदल देखिए इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि फोड़ा हो गया है घाट पे। ठीक है, तो मौसम देख लीजिए, 2:30 बज रहा है और मौसम एकदम चकाचक है। बारिश वारिश भी नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बोला कि जाऊँ फटाक से ले कर चला हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट चलेंगे चिकन शॉप पे और मुर्गे का पंजा लेके आएंगे। आज फ्राई करके खाऊंगा बस। ठीक है, तेल में तल के। ओके, तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं। पहले सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। ओके, बेल आइकन का बटन दबा देना, मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। ओके, तो चलिए चलते हैं अब। तो ये दोस्तों मैंने चिकन ले लिया। ठीक है, और डायरेक्ट चलेंगे अब रूम पे। अभी को अभी इतना तेज़ धूप हुआ था ना, क्या बताऊँ। अब फिर से धूप चला गया, फिर एकदम ऐसा हो गया। देखिए बारिश वाला मौसम हो रहा है और गारंटी नहीं है कब बारिश हो जाए। ठीक है, फटाक से चलेंगे रूम पे अपने। तो दोस्तों रूम पे आ चुका, एकदम थक चुका हूँ। उधर से इधर तक 2-3 किलोमीटर पड़ता है, एकदम थक चुका हूँ, पैर वैर सब दर्द कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने चिकन निकाल लिया है और इसको धोएंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद कढ़ाई चढ़ाऊँगा। ओके, तो चलिए 5-10 मिनट बाद मैं थोड़ा आराम कर लूँ, उसके बाद ये बनाएंगे। ठीक है, धोए होएंगे, तब तक इसको ढक के रख देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं 10 से 15 मिनट बाद, आराम करने के बाद। ओके, तो दोस्तों मैं आराम कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना चिकन भी धो के ला चुका हूँ और कढ़ाई भी रख दिया हूँ गर्म होने के लिए। ठीक है, तो चलिए वेट करते हैं कढ़ाई गर्म होने का, उसके बाद से हम इसको फ्राई करेंगे। ओके, चलिए वेट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें हम ये तेल डाल देंगे। ठीक है, हम वेट करेंगे 5-10 मिनट वेट करेंगे गर्म होने का तेल। तो दोस्तों यहाँ पे तेल गरम हो चुका है। ठीक है, और ये चिकन इसमें डाल देंगे और इसमें नमक डालेंगे। ये नमक गया। ठीक है, और इसको हम चला देंगे। ठीक है, इसको चला देंगे आप और इसको कम फ्लेम पे, एकदम लो फ्लेम पे इसको ढक देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको ढक देते हैं और इसका फ्लेम लो कर देंगे। ठीक है, लो फ्लेम पे कर दिया और तब तक हम रोटी बना लेते हैं, रोटी से खाएंगे फ्राई वाला। ठीक है, तो चलिए ये आटा निकाल लेता हूँ मैं इसमें। ये देखिए इसमें आटा, ये आटा ले लिया और ये परथन के लिए इसमें रख देंगे। ठीक है, ये परथन के लिए रख दिए, इसको ढक देंगे और ये हम आटा सान लेते हैं फटाक से, जब तक ये कम फ्लेम पे हो रहा है तो। ओके, चलिए फटाक से सान लेता हूँ। तो दोस्तों देखते हैं अपना चिकन, और ये देखिए हमारा चिकन एकदम अच्छी तरीके से ये इसमें फ्राइड हो चुका है। इसमें हम डालेंगे मसाला। ठीक है, तो ये रहा अपना मसाला, फटाक से काट लेता हूँ। तो गाइस ये रहा अपना मसाला, इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, हाफ ही डालेंगे। ठीक है, ये डाल दिया और इसको चला देंगे थोड़ी अच्छी तरीके से। ये ना अच्छी तरीके से इसमें चला दिया, इसको क्या करेंगे ऐसे ही छोड़ देंगे हम फिर 10 से 15 मिनट तक। ओके, अरे
ढक देते हैं, वेट करेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने आटा भी यहाँ पे गूंद लिया है, बस रोटी बना जब जैसे ही होगा ये वैसे हम रोटी तावा रख देंगे रोटी बनाने के लिए। ओके चलिए वेट करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हमारा चिकन, और ये देखिए मसाला वसाला एकदम इसमें मिल चुका है, और ये भी शायद हाँ ये भी हो चुका है। इसका पानी सूखने देते हैं, जब एकदम हल्का सा पानी हो जाएगा तब इसको हम बंद करेंगे, ठीक है। तो चलिए तब तक वेट करते हैं, ढक देते हैं इसको, वेट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद होने के बाद डायरेक्ट ये तावा इस पर चढ़ा देंगे। चलिए तो दोस्तों अब देखते हैं, और ये देखिए एकदम ये सूखा हो चुका है, नीचे पकड़ भी रहा है, ठीक है। ये हल्का हल्का इसका ग्रेवी रहने देंगे। अब इसको साइड में करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पे रख देते हैं, इसको यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे चढ़ाते हैं अब तावा, और बनाते हैं अपना रोटी, ठीक है। तो रोटी बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रोटी रख दिया हूँ, ठीक है, और ये रोटी बना के आपको दिखाता हूँ एक दो। ओके उसके बाद रोटी जैसे ही हो जाएगा वैसे बैठ जाएंगे खाने के लिए। ओके चलिए वेट करते हैं। दोस्तों सारा रोटी बना लिया, बस एक ही बचा ये ही लास्ट, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ये एक तरफ से हो गया। अब इसको एक तरफ से सेकेंगे, उसके बाद से पलटी करके मस्त वेट करते हैं। ओके तो दोस्तों एक और ये भी हो गया, अभी अब फूलना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसको ढक देंगे। गाइस बताइएगा मैं रोटी बना लेता हूँ कि नहीं, ठीक है। ये फूलिया रोटी देखिए, ठीक है, एक नंबर बना है ना, कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अब इसको लेके चलते हैं, हम नीचे बैठ के खाएंगे, ठीक है। तो सारा कुछ नीचे उतार लेता हूँ। तो दोस्तों सारा कुछ ला दिया यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे आप अपना ये है चिकन फ्राई। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा हो, कैसा बना है कैसा नहीं, ठीक है। तो इसको इसमें निकालते हैं थाली में, ठीक है। तो चलिए पहले निकाल लेता हूँ थाली में। दोस्तों सारा कुछ निकाल लिया, ठीक है, और यहाँ पे रोटी ट्राई करके देखते हैं। एक नंबर। ये ट्राई करता हूँ अब, ये देखिए ग्रेवी लिया, एकदम मसालेदार ग्रेवी एकदम, ये लिया, ये कुरमुरा, इसमें लपेटा, और अब पीस देखिए गाइस, ये देखिए ये हड्डी बाहर निकल गया, ये देखिए ये हड्डी है, ये मांस है, ये देखिए इतना ढीला बना है ना, इतना गल चुका है ना इसमें। देखिए रोटी से ट्राई करके देखता हूँ मैं, ये जबरदस्त है,
एक रोटी मेरा चार ही बार का होता है। ग्रेवी किधर की? हाँ देखो ये इसमें लपेटा मस्त पेकी भैया। ग्रेवी मुझे बहुत जानदार लग रहा है। ये इसमें कभी मांस निकाल लेते हैं, हड्डी साइड में कर देते हैं। अभी देखिए बस ये है इसका माल। इसको ग्रेवी के अंदर सानू और ये हो गया अपना। गर्दन देखिए, मुझे ना यही ऑयली वाला बहुत पसंद रहता है, गले का जो स्किन रहता है ना वही। और ये देखिए हाथ से ही टूट जा रहा है गला। ये और ये इधर का ये देखिए, अब इसको रोटी में वाह भाई वाह। भाई मस्त एकदम। देखिए ये ग्रेवी लगा है इस पे। ये इसमें ऐसे ही लगा के ये ग्रेवी लपेटा इसमें। एक नंबर है एक बार गाइस आप लोग भी बना के ट्राई करिएगा खा के, एक नंबर लगता है ऐसे। ना प्याज डाला हूँ ना ना मिर्च डाला हूँ, पर तब भी स्पाइसी लग रहे हैं। चलिए फटाक से मैं खा लेता हूँ, मिलते हैं खाने के बाद। ओके तो दोस्तों खाना वाना खा लिया ठीक है, और अब जा रहा हूँ सोने के लिए, बहुत तेज नींद आ रही है। ठीक है तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं ठीक है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, किसी को दुख ना पहुँचाएं। बाय बाय दोस्तों, लव यू।